दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चिन्मयी रथ। मैं यहां रेजोल्यूशन फीटल मेडिसिन सेंटर किम सनशाइन हॉस्पिटल बेगमपेट में फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट हूं। मैं आज आप लोगों को थैलेसीमिया के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब खून के बनने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है अगर आपको थैलेसीमिया हो तो। हमारे खून का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल होता है जो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह ले जाके शरीर के सारे अंगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करता है। जब थैलेसीमिया बीमारी होती है तो ये हीमोग्लोबिन अच्छी तरीके से नहीं बनता। ये एक जेनेटिक कंडीशन है। कुछ जीन्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन के अलग अलग पार्ट्स बनाने में मदद करते हैं, और जब उन जीन्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो सही से नहीं बन पाता। हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा चेन्स होते हैं, और बीटा थैलेसीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जो हम लोगों के शरीर में खून की कमी कर सकता है। अगर हमें मेजर थैलेसीमिया है, इसका मतलब हमारे में कहीं भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने की गुंजाइश नहीं है, और इसीलिए हमें हर 2 हफ्ते में खून लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस इंसान को मेजर थैलेसीमिया होता है उसको हर 2 हफ्ते में बाहर से खून देना पड़ता है, क्योंकि उसका अपना शरीर उस तरह का खून बना नहीं पाता है। यदि उसका पूरा खून बदल के बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा जाए तब वो ठीक हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोगों को बार 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 खून चलाना पड़ता है, और इतनी बार खून चलाने की वजह से उनके शरीर के बाकी अंग जैसे लिवर, ब्रेन, हार्ट सब में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम इस बीमारी को पूर्णतः प्रिवेंट कर सके, हम इस बीमारी से पहले ही बच सके तो कितना ही अच्छा होगा। तो क्योंकि ये एक जेनेटिक कंडीशन है, माता और पिता के जीन्स में अगर ये कैरियर स्टेटस में रहे तो बच्चे में मेजर होने के चांसेस 25% रहते हैं। इसका मतलब अगर हम हर प्रेग्नेंट लेडी को, जो गर्भवती महिला है, उसको अगर हम स्क्रीन करें, टेस्ट करें कि इसके पास हीमोग्लोबिन अबनॉर्मल होने के चांसेस हैं या नहीं है, मतलब वो थैलेसीमिया की कैरियर है या नहीं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कैरियर है या नहीं। और उसी तरह अगर हम उसके हस्बैंड को टेस्ट कर ले और वो भी कैरियर है तो हमको आने वाले बच्चे के लिए प्रिकॉशंस लेना है। होने वाले बच्चे में ये चांसेस 25% होता है अगर मदर और फादर दोनों को थैलेसीमिया कैरियर हो स्टेटस होता है। तो उन बच्चों के लिए हम अंदर से, वो पैदा होने के पहले अंदर से उनका डीएनए निकाल के हम टेस्ट कर सकते हैं कि इनको थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। तो जिन कंडीशंस में ये करना पड़ता है उसके लिए हमको स्क्रीनिंग टेस्ट सही टाइम पे कराना ज़रूरी है, और हर डॉक्टर अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती है कि प्रेगनेंसी होते ही अपना हीमोग्लोबिन चेक करें, अपने खून की मात्रा चेक करें, और अगर कम है तो इस तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए एक सिंपल टेस्ट जिसको कि HPLC बोलते हैं वो करा लें। हमारे पॉपुलेशन में थैलेसीमिया का कैरियर स्टेटस होना काफ़ी कॉमन है, और जो कैरियर्स होते हैं वो अपना लाइफ नॉर्मली लीड करते हैं, सिवाय इसके कि उनको माइल्ड एनीमिया या खून की कमी होती है। क्योंकि ये इतना कॉमन है, हम लोग इसको एक नॉर्मल लाइफ के इवेंट की तरह मान लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर 2 कैरियर्स की शादी हो जाए तो फिर उनके बच्चे को ये मेजर प्रॉब्लम होने के चांसेस 25% है। इसलिए हम लोग को ये समझना चाहिए कि देर इज़ अ मेथड ऑफ स्क्रीनिंग एवरीबडी, एंड इफ़ वी स्क्रीन देन वी कैन प्रिवेंट इट इन द फ्यूचर जनरेशन। आने वाली नस्लों में इसको, इसकी जो इंसिडेंस है वो कम करने के लिए हमको अभी के जनरेशन को स्क्रीन करना चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो जो फीटस अंदर है उसका DNA टेस्ट करना चाहिए। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मई में मनाया जाता है ताकि सबको इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस हो, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले उसके बारे में जानकारी हो तो आप सशक्त होते हैं उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए। तो आज मई के महीने में मैं आप लोग सबसे यह अनुरोध करना चाहूँगी कि अपना अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं, और HPLC एक टेस्ट होता है, ये एक सिंपल टेस्ट है, सिंपल ब्लड टेस्ट है, उसको करा के जान लें कि आपका हीमोग्लोबिन कम्प्लीटली नॉर्मल है या आप किसी भी हीमोग्लोबिनोपैथी जैसे कि थैलेसीमिया इसके कैरियर हैं। और कैरियर होने में मैंने फिर से बताना है कि कोई बुराई नहीं है। प्लीज़ डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ गेटिंग योरसेल्फ स्क्रीन, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आपका लाइफ बहुत बदल जाएगा, लेकिन अगर मेजर थैलेसीमिया हो जाएगा तो ज़रूर लाइफ बदल जाता है,
और इसके लिए बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।